राजू भाई पैसा तो दो। अरे नहीं भाई खाता होता नहीं, मुझे कैश चाहिए अभी। अरे नहीं नहीं भाई, मुझे अभी पैसा अच्छे, हर बार का ड्रामा हो गया है। तेरी अंग्रेजी मुझे समझ नहीं आती, दा दा नहीं समझ आती मुझे। कब का बाकी है? अरे मेरे बाप, जा जा उधर, देने का नहीं तुमको, खाली फोकट का चाय पीने का बस। मेरे दोस्तों ने चाकू मार दिए हैं, प्लीज उसको हॉस्पिटल लेके जाना है, प्लीज ले चलेंगे। भाई आप किसी और को बोल दो। अरे सुनो, चलने दे, चल भाई आप लाइए, प्लीज लाइए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। क्या कर रही है, चलने दे। राजू सो मत, आग मत बंद कर। नहीं नहीं सो मत, सांस आग खुली रख, सांस लेते रहे, सांस लेते रहे। चलो राजू इधर, सांस लेते रहे। हेलो हेलो, हाँ काका आप जल्दी बाहर नाके पर आ जाइए, राजू को चोट लग गई है। क्या राजू को चोट लगी है? कैसे? ठीक है ठीक है, मैं अभी आ रहा हूँ। क्या हुआ? राजू को चोट लगी है, सब लोग उसे अस्पताल ले जा रहे हैं। क्या? चलिए मैडम जल्दी चलिए ना मैडम, थोड़ा सा चल चल जल्दी चल। राजू सांस लेते रहे, सांस लेते रहे, सोने दे रहे। बस 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 बस, राजू राजू क्या देखिए ना, राजू को हरी भाई ने चाकू मार दिया। हरी भाई? हरी भाई ने क्यों मार दिया पता नहीं। अच्छा तो इन लोगों ने ऑटो में लेके, मैं अस्पताल लेके जाता हूँ। राजू राजू कैसे हो गया ये सब, कैसे हो गया? राजू राजू आप खोल बेटा, राजू राजू सर लड़के का नाम राजू है, गाड़ियां रिकवरी करने का काम करता है। लोगों ने बताया कि इसके मालिक हरी ने से चाकू मार के भाग गया। डॉक्टर के मुताबिक हालत काफी नाजुक है। डॉक्टर साहब कैसा है मेरा बेटा? सॉरी, यहाँ आने से पहले ही आपका बेटा मर चुका था। राजू! एक पल में पूरा परिवार बिखर गया। माँ बाप से उनका बेटा और बहन से उनका भाई हमेशा के लिए छिन गया। दोस्ती यारी के सारे वादे टूट गए। राजू ने तो आज सुबह ऑफिस जाने से पहले सोचा भी नहीं होगा कि ये उसका आखिरी दिन हो सकता है। लेकिन क्या थी इस राजू की कहानी? Okay, so I'll send the documents there today itself. हाँ ठीक,
I'll call you back. अरे रुको, चल चल, अरे रुको, अरे कहाँ लेके जा रहे हो? अरे रुको! देखा मोटे से भागा भी नहीं जा रहा था यार। तू करके भाग रहा है। अरे, अभी चंचा करियो। अरे वो करवाई से वाला। रन छोड़ दा। अरे गोलमाल वाला, गोलमाल वाला। ओही ओही वाला। वही ये बेटर एक्टर है। और कर। राजू एक मनमौजी लड़का जिसने अपने प्यार भरे रिश्तों को संभालना था, अपने परिवार और दोस्तों को और प्यार देना था। अरे रहने दे। अगर बुड्ढी बोलेगा ना तो एक तो मारूंगी। अरे धोखे तो खाता ना बेटा। मुझे पता है तू ताकत वाला है, तंदुरुस्त है, तो कुछ नहीं होगा। नहीं राजू ये भी अच्छी नहीं लगी, अब रहने देते हैं। थैंक यू। अरे राजू तू उदास क्यों हो रहे हैं? नहीं राजू तू फुकट नहीं है, तेरे दिल में कितना प्यार भरा हुआ है ना? अच्छा बाबा जब हरी भाई तुझे पैसे दे देंगे ना तो मेरी शादी में पूरी दुकान दिला देना, खुश? चल अभी आ बाबा, मेरी शादी में मैं तुझसे ही सारी शॉपिंग करूंगी। ये मारपीट करने की क्या जरूरत थी? चार हड्डी है बदन में, उसे भी तुड़वा ली। माँ वो लोग मुझे छेड़ रहे थे तो नजरअंदाज कर देते हैं। गली के कुत्ते हैं, भौंकते ही रहते हैं, उनसे भिड़ने की क्या जरूरत है तुम्हें? पता है ये तुम्हें राखी बांधती है, भाई हो तुम इसके, इसकी रक्षा भी तुम्हें करनी चाहिए। पर इसकी रक्षा करने से पहले तुम्हें अपनी भी तो रक्षा करनी होगी ना। अगर ये वक्त पर इन दोनों को वहां पर नहीं बुलाती तो आज तुम अस्पताल में पड़े होते, समझे? मिठाई खिलाओ एक दूसरे को। अरे भैया नहीं नहीं। क्या इशारा कर रहा था? हाँ क्या इशारा कर रहा था? लड़का मोटा है? क्या कर रहा है? लड़का मोटा है लेकिन वो मैनेजर है, मैनेजर समझा? तू क्या है?
क्या है साले पनौती? क्या क्या अरे बच्चा है, क्यों मार रहे हैं आप? तो पैसे की औकात नहीं है तेरी? हाँ, तेरी बहन की शादी है ना, क्या दिया तूने? क्या 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 की वजह से ना तेरी बहन की शादी के लिए कोई तैयार नहीं हो रहा था। बड़ी मुश्किल से एक लड़का मिला। मालूम है तेरी बीमारी की वजह से ना तेरी बहन की शादी नहीं हो रही। सब लोग बोलते हैं तेरी बीमारी उसके बच्चे में आ जाएगी और तू तू खड़ा बेइज्जती कर रहा है। चल निकल निकल घर से, निकल बाहर बाहर निकल घर से निकल। अरे क्यों मुझे निकाल रहे हो घर से बाहर? चुप। अगर किसी ने उसे अंदर लिया तो मैं उसे बाहर निकाल दूंगा। ना 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 ना। हाँ हरी, पैसे नहीं दे रहा तेरा बाप तेरे को सुनाता है। हम सबके 3 महीने से पैसे रोके हैं साले ने। बाप उसका मरा है, झेलना हमको पड़ रहा है। जान दे तू पागल हो गए। खा। हेलो। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, जा तेरी बहन का फोन आया। हाँ घर पे बुलाया खाने के लिए। अबे ढोकला बनाया, अब जाएगा। राजू बेटा, राजू यहाँ बैठे हो? हाँ, तेरे पापा खड़ूस पापा सो गए हैं। हाँ मैं जानती हूँ कि तू ही अपने पापा को खड़ूस बोलता है और कोई नहीं। हाँ तेरी माँ तेरे लिए रोती रहती है और तू है कि तेरे पापा को ही ज्यादा प्यार करता है। जानती हूँ बेटा कि सबसे ज्यादा प्यार तू अपनी माँ से करता है, है ना? अब देखो बेटा, रात बहुत हो चुकी है, चलो अंदर चल के सो जाओ, ठीक है? आ जाओ। ना जाने कितने ही सपने राजू की आंखों ने देखे थे, अपने माँ बाप के लिए, अपनी बहनों के लिए, लेकिन अब वो आंखें हमेशा के लिए बंद हो चुकी थीं। सर, इसके शरीर पर चाकू से 2 वार किए गए हैं, एक पहला वार कम गहरा है, दूसरा बहुत गहरा है। चाकू अंदर घुसेड़ दिया गया था। दोषी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। थैंक यू। सर हम जाए? सर हम इसीलिए इन सब में पढ़ना नहीं चाहते थे। देखिए, आप लोगों ने अपनी गाड़ी में उसे लाके बहुत अच्छा काम किया। वैसे जब वो आपकी गाड़ी में बिठाया गया तब उसके अंदर कोई मूवमेंट थी या होश खो चुका था? सर पहले तो वो दर्द की वजह से बहुत तड़प रहा था, लेकिन एकदम से ना शांत हो गया। शायद तभी ठीक है। थैंक यू। थैंक यू सर। आपसे 2 मिनट बात कर सकते हैं? क्या हुआ? मुझे कुछ पता नहीं सर, इनका फोन आया और हम लोग यहाँ पर आ गए। सर वो हमारे ऑफिस के बाहर एक चाय वाला है, तब उसने हमें बताया कि हमारे ऑफिस के जो मालिक हैं हरी भाई, वो हमारे राजू को चाकू मार करके भाग गया वहां से। दोनों के बीच कोई झगड़ा वगैरह था? शायद सर, हम लोगों का 3 महीने का पगार बचा हुआ है। कल उसने बोला था कि वो जाएगा, पगार मांगने जाएगा,
तो हो सकता है शादी है तीन दिन बाद इसकी बहन की शादी है और अपनी बहन को बहुत सारे गहने देना चाहता है बहुत सारे अबे इतने में तो बॉस बिक ही जाएगा बे झुमका तो झुमका नहीं बाली तो आई जाएगी कुछ भी करके अपने बॉस से पैसे लेकर के अगर नहीं दिया ना उसको पकड़ के मारेगा ये मारियो पकड़ बॉस को मतलब तीन दिन बाद राजू की बहन किंजल की शादी थी इसलिए पैसे मांगने हो गया था हरी इस वक्त कहाँ होगा कुछ आइडिया है सर तो चाकू मारते ही सब वहां से निकल चुका था घर पे होगा आपने दोषी इनसे उसका घर का एड्रेस लेके किसी को उसके घर पे भेजो उसके ऑफिस पे चलते हैं ठीक है सर प्लीज मत रो देखिए बॉडी अभी तुरंत आपको सौंपी नहीं जा सकती तो इनको आप घर ले जाइए जी ब्लड स्पॉट है ये दरवाजा तो अंदर से बंद तो बाहर से तो कोई नहीं आया होगा लगता है राजू ने इस पिछले दरवाजे से भागने की कोशिश की होगी लेकिन जब उसे लगा कि हरी भाग चुका है तो फिर वो मेन दरवाजे से बाहर निकला साहब पहले एक आदमी भागा उसके पीछे हरी भाई भागे उसके पीछे राजू पूरा खून से लथपथ निकला उसने मुझे इशारे से बताया भी कि हरी भाई ने उसे चाकू मारा है मैंने उससे पूछा भी हरी भाई ने मारा है तो उसने हाँ बोला साहब ठीक है जाओ दोषी उस कैमरे का फुटेज निकलवा ठीक है सर हरी के घर कौन गया कांस्टेबल अशोक गया सर हरी देसाई वो घर पर नहीं है आप कौन उनकी पत्नी जी कहाँ गया वो मने खबर न थी सुबह ऑफिस से घर आए थे फिर कहीं चले गए मुझे बताकर नहीं गए जैसे ही आए उसे पुलिस स्टेशन भेज देना पर शू था यू आपके पति पर मर्डर का चार्ज लगा है चलो नजर रखो इस पे सर हरी अपने घर पे नहीं था और फोन भी बंद करके रखा है उसका फोन सर्वेलेंस पे डालो और उसके कॉल डिटेल्स चेक करो ओके सर दोषी फुटेज से इतना तो तय है कि राजू को हरी ने मारा है या फिर इन दोनों लोगों ने मारा है ये दूसरा आदमी कौन है जो पहले भागा सर ये तो तेजस है ये तेजस कौन गाड़ी चाहिए ना तो बैंक में जाकर बात कर लेना ज्यादा समझ में आ रहा है क्या बैंक में आके बात करो चल चल पीछे तेजस भाई आराम से तू उतर नीचे चल खोल इसको बोल गाड़ी बोला ना अरे क्या आराम से बात करो बोल मुंह से तो तेरे शब्द नहीं निकलता और तू दादागिरी करेगा देखो तेजस भाई हम लोगों को हमारा काम करने दो आप पेमेंट करो अपनी गाड़ी ऑफिस से जाकर ले जाओ हाँ सर बहुत अजीब आदमी है साहब ये फालतू में सर गुस्सा कर रहा था हाथापाई बहुत आया सर हमारे साथ में जो भाई डॉक्टर मैंने कहूँ कि ब्लड प्रेशर वधे हुआ काम नहीं करो इसलिए सब सच सच बता पर सर मैं तो कोई करियोज न थी मैं तो सिर्फ अपनी गाड़ी की बात करने गया था वहां पर सर अरे आसूस है हरी भाई तुमने किधर ने पैसा आपको छो यार दे दो यार मेरी गाड़ी दे दो मैं पैसा देता हूँ तेजस भाई अभी मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ और गाड़ी कौन सा हम लोग हमारे पास रखते हैं अभी आपको बैंक में जाके पैसे देना पड़ेगा तभी आपको गाड़ी मिलेगी और अपने आदमी लोग को समझाओ कैसे बदतमीजी से बात करते वो लोग समझो ना तेजस भाई हमारे ऊपर भी प्रेशर होता है बैंक का अरे तो आदमी के जैसा बात करने का ना ए करके दिमाग खराब कर देता साला अरे हाँ तू चुप कर मैं बात कर रहा हूँ मैं पैसे दूँ
हाँ पता है तेरी बहन की शादी है, लेकिन इनको जाने तो दे। सर मैं तो जैसे तैसे अपनी जान बचाकर भागा, एना पची सू थयु ए मने नथी खबर। જ્યાં સુધી આ બધું પ્રકરણ ચાલુ છે ત્યાં સુધી અમદાવાદની બહાર નહીં જતો। ઓકે સર, નજર રાખો ઇસ પર। જી સર, મતલબ ચાકુ રાજુ હી લાયા થા। સર હો સકતા હૈ કે તેજસ કે જાને કે બાદ રાજુ ઓર હરી મેં કુછ બહેસ હો ગઈ હો ઓર સેલ્ફ ડિફેન્સ કે ચલતે હરી ને રાજુ કો ચાકુ માર દિયા હો। દોષી અગર ગલતી સે હોતા તો એક વાર હોતા, યહાં પર દો વાર હુએ થે ઓર દૂસરા કાફી ગહેરા થા। યે જો કુછ ભી હુઆ હૈ અનજાને મેં નહીં હુઆ। જલ્દ સે જલ્દ હરી કા પતા લગાઓ। ठीक है सर। मैं राजू घर होके आता हूं, तू भाभी के साथ रह, सुबह मिलते हैं। ये क्या हुआ राजू के साथ एकदम अचानक? आप लोग कुछ खाना खा लीजिए, काफी रात हो गई है, मैं कुछ लेकर आया हूँ। पारस भैया, किंजल दीदी घर पर नहीं है और उनका फोन भी बंद आ रहा है। घर पे नहीं है मतलब? कहाँ गई है? पता नहीं, जब हम आए तो घर का दरवाजा खुला था और वो घर पे भी नहीं थी। आधी रात हो गई है, कहाँ गई होगी वो? चलो पुलिस के पास चलते हैं। चलो। नहीं, कोई नहीं जाएगा पुलिस के पास। बेटा मर गया, सोच लेंगे बेटी भी मर गई। सर, हरी के कॉल रिकॉर्ड और राजू की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। सर रिपोर्ट के मुताबिक राजू पर दो वार किए गए थे, एक बार काफी हल्का था और दूसरा वार काफी गहरा था। चाकू को सीधा दिल की तरफ मोड़ दिया गया, दिल में छेद हो जाने की वजह से इसकी मौत हो गई। चाकू पे किसकी उंगलियों के निशान मिले? सर सिर्फ राजू के। डॉक्टर्स ने बताया कि राजू ने चाकू को काफी देर तक होल्ड करके रखा था, इसी वजह से बाकी के निशान मिट गए। हरी के बारे में क्या पता चला? सर कॉल रिकॉर्ड के हिसाब से हरी दुकान से घर की तरफ गया और जब घर से दुकान की तरफ आ रहा था तब उसे एक कॉल आई। सर उस समय उसकी लोकेशन दुकान से थोड़ी दूर की थी और उसके बाद उसका फोन बंद हो गया। किसका था ये लास्ट कॉल? सर किसी सूरज पटेल का। सूरज और हरी की दुकान आसपास ही है। सूरज पटेल? हाँ सर, मैंने हरी को फोन किया था। कल सुबह मैं जब अपनी दुकान में आ रहा था तब वहाँ चिल्लम चली देखी। मैं देखा, कोई दिक्कत नहीं, उसको मार दे, वो सोचा भी नहीं। वही तो मैं बोल रहा हूँ, कितना गलत हुआ ना, है ना? अरे सु तो है भाई, एक्चुअली गर्दी सु काम छ। अरे सूरज भाई आपको पता नहीं, राजू है ना, राजू वो मर गया। कौन राजू? वो हरी भाई किधर काम करते हो? अरे हरी भाई ने उसको चाकू मारा। हरी भाई? अरे अपने आँख से देखा मैं। हरी भाई शू कर रही है तूने? राजू ने मारे ना क्यों? झूठ बोलता है तू, यहाँ सबने देखा तुम्हें उसको मारते हुए। बस अब उसके बाद तो उससे मेरी कोई बात नहीं हुई। ठीक है, थैंक यू सर। ये सब कैसे हो गया? हम लोग तो शादी की तैयारी शुरू कर रहे थे। हेमंत भाई, आप भी किंजल बेटे को बता दीजिए कि वो भी अपनी अंगूठी लौटा देवे। किंजल तो अपने आप में नहीं है, बहुत दुखी है। भाई मर गया है उसका, और हम इतने कठोर भी नहीं कि ऐसे समय में सगाई तोड़ने वाली बात उससे कहें। आपकी अंगूठी आपको मिल जाएगी। कैसे बाप है आप? बेटे को तो हमने खो दिया है और बेटे की परवाह भी नहीं है आपको? वो कहाँ गई है मुझे अच्छी तरह पता है, अब वो जिए मरे मुझे परवाह नहीं है। हाँ बराबर, जैसा जी अच्छा है। ठीक है चलो।
क्या हुआ सर? अरे ये ब्लड प्रेशर का नाटक फिर से चालू हो गया। मुड़। सर मैंने हरी के कॉल रिकॉर्ड चेक किए। सर हरी को एक नंबर से लगातार कॉल आ रहे थे, पता चला है वो नंबर किसी किंजल के नाम रजिस्टर्ड है। किंजल? हाँ सर, ये किंजल राजू की बड़ी बहन है और कुछ दिनों बाद इसकी शादी भी होने वाली है। एक किंजल और हरी का क्या कनेक्शन है? किंजल पहले हरी के यहाँ काम करती थी और किंजल के कहने पे ही हरी ने राजू को काम पे रखा था। लेकिन फिर किंजल हरी के फोन पर इतने सारे कॉल्स क्यों करती थी? वो दोनों अच्छे दोस्त थे क्या? साहब मालिक से दोस्ती कैसी? उसका हाल चाल जानने के लिए अब किंजल हरी और राजू के दोस्तों को अक्सर फोन किया करती थी। किंजल से मिलना चाहते हैं। वो अपनी मासी के घर गई है, भाई की मौत का बहुत सदमा पहुंचा है उसे, बहुत बहुत प्यार करती थी ना उससे। किंजल आ जाए तो हमें इन्फॉर्म कर दीजिए। जी सर, राजू की माँ ने ये कागज मेरे तरफ फेंका है। हेलो, मैं किंजल की माँ बोल रही हूँ। बोलिए। साहब आप मेरी बेटी को ढूंढिए, वो किंजल अपने मौसी के घर में नहीं गई है, पता नहीं कहाँ चली गई, और उसके पापा जो है उसे ढूंढना ही नहीं चाहते। साहब आप उसे ढूंढ लीजिए। साहब ठीक है। आप फिर आ गए और इस बार सही जवाब लेकर जाएंगे। किंजल कहाँ? मुझे नहीं पता। जब नहीं पता तो मिसिंग रिपोर्ट क्यों नहीं लिखवाई? बदनामी के डर से मैंने उसका घर से निकलना ही बंद करवा दिया। मैं चाहता था कि जल्द से जल्द किंगल की शादी हो जाए। बड़ी मुश्किल से एक लड़का मिला क्योंकि राजू की बीमारी की वजह से उसके लिए रिश्ते नहीं आ रहे थे। मैं चाहता था उसका घर बस जाए। बहुत चाहती थी अपने भाई को किंगल। इधर भाई मरा नहीं कि उधर उसे घर से भागने का मौका मिल गया। किससे प्यार करती थी किंगल? मुझे क्या किससे प्यार करती थी, भाई मर गया तो मुंह तक देखने नहीं है। ठीक। दोषी हो सकता है कि हरी ही किंजल का बॉयफ्रेंड हो। हरी के साथ साथ किंजल का फोन भी सर्वेलेंस पे डाला। ऐसा क्या चल रहा था आपके पति और किंजल के बीच के उसने राजू की हत्या कर दी? सर आप ऐसे कुछ भी मत बोलिए, मेरे पति ऐसे बिल्कुल नहीं है और उनका किसी के साथ कुछ नहीं चल रहा था। आपके पति ने राजू को जान से मार डाला। सर तुम्हें कहीं पर बोलो छो, आप नहीं जानते मेरे पति को, वो बहुत सीधे हैं, सबके बारे में सोचते हैं। मेरे पति ने उस राजू के लिए इतना कुछ किया और वो हमारे घर पे हमसे लड़ने के लिए आ गए। तुम लोग बैठो ना। अरे भाई नहीं, बैठने नहीं आए हैं, आपको समझना पड़ेगा। कब तक? नहीं भाभी जी धन्यवाद, चाय नहीं लेंगे हम लोग। 3 महीने से पगार बची हम लोगों की, हम वो लेंगे वो चाहिए। हरी भाई मेरी बीवी पेट से 9वां महीना चल रहा है उसका, पैसों की बहुत जरूरत है मुझे। दा, 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 दा। और इसकी बहन की भी शादी है। देखो मैं समझता हूँ कि जरूरत सबको है, लेकिन तुम लोग भी तो समझो। क्या? मेरे पास इस समय पैसे नहीं है, लेकिन लेकिन मैं जल्दी कुछ करता हूँ। 4 महीने पहले मेरे ससुर जी गुजर गए, उनके सर पर बड़ा कर्जा था जो अब हरी चुका रहे हैं। हमारे हाथ बिल्कुल खाली थे और तभी इनकी तनख्वाह में भी देरी हुई, लेकिन ये लोग तो कुछ समझने को तैयार ही नहीं है। राजू इसका भी अंतिम संस्कार कर देना। आपकी बेटी जिंदा है। जो किंजल जिंदा है वो मेरी बेटी नहीं, मेरी बेटी मर चुकी है। राजू के साथ साथ हेमंत ने किंजल का भी अंतिम संस्कार करने का फैसला कर लिया था। किंजल अपने पिता के लिए मर चुकी थी,
लेकिन एक माँ के लिए तो उसके बच्चे मरकर भी नहीं मरते। जहां एक तरफ पुलिस राजू की हत्या की गुत्थी सुलझाने में लगी थी, वहीं वो जल्द से जल्द किंजल को भी ढूंढ निकालना चाहती थी। आपके होटल से इस नंबर पे बार बार फोन किया जा रहा है। सर ऐसे कैसे बता सकते हैं? दूसरी ये तुम्हारे होटल में है? जी। किंजल का ये लड़की यहाँ पे आई थी? सर ये लड़की इनके साथ नहीं थी। किंजल कहाँ है? मुझे नहीं पता, किंजल मेरे साथ नहीं थी। 20-22 साल के लड़के की जान ले ली, चूहे की तरह भागता फिर रहा था और बोल रहा कुछ भी नहीं किया। मुझे नहीं समझ में आ रहा क्या आप क्या कह रहे हैं। मैंने राजू को नहीं मारा। उस दिन तेजस के भाग जाने के बाद क्या हुआ था? रुक जा, इतना चाकू नीचे कर दे। तू चाकू नीचे रख। चाकू तू क्या पागल हो गया? वो राजू एकदम पागल हो गया था सर। मैं तो उन तीनों को पैसे देने के लिए लेकर भी गया था, लेकिन राजू मेरे कुछ सुनने को तैयार ही नहीं था। सर जब मैं वहां से भागकर अपने घर गया तो मुझे याद है कि मैं तो पैसे वहीं भूल गया हूँ। मैं पैसे लेने के लिए वापस जा रहा था, तभी सूरज भाई का फोन आया। अरे भाई शू कर रही हो तूने? राजू ने मारे ना क्या? मैं डर गया सर, बहुत डर गया। लेकिन वहां तो हमें कोई पैसे दिखे ही नहीं। पैसे वही थे सर। मैं गिर रहा था सर, पैसे वही थे। आप एक काम करिए, आप हंसल भाई को पूछ लीजिए, उन्होंने मेरे बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए थे सर। अगर तूने राजू को नहीं मारा तो राजू को मारा किसने? कमरे में दो ही तो लोग थे, तू और राजू। वो एकदम पागल लड़का था सर, बात बात में गर्म हो जाता था। शायद उसने खुद ही को मार लिया हो। ओके सर, मैंने हसल भाई से बात की, उसने कहा कि उसने हरी को स्टाफ पेमेंट के नाम पे कुछ पैसे ब्याज पे दे रखे थे। लेकिन हरी अड़ा हुआ है कि उसने राजू को चाकू नहीं मारा। सर वो तो ये भी कह रहा है कि राजू ने ही खुद को चाकू मारा। लेकिन सर कोई आदमी खुद को इतना गहरा जख्म दे सकता है क्या? ठीक कह रहे थे दोषी, कोई भी आदमी अपने आप को इतना गहरा जख्म तो नहीं दे सकता। एक पॉसिबिलिटी यह है कि कोई और पीछे के रास्ते से आया, उसने राजू को घायल किया, यहाँ से पैसे उठाए और निकल गया, या फिर राजू ने खुद यहाँ से पैसे लिए और पारस और अमित के हाथ में दे दिए। सर एक पॉसिबिलिटी और भी हो सकती है, हो सकता है कि हरी ने यहाँ पैसे रखे ना हो। उसे अगर हरी ने यहाँ पैसे नहीं रखे होते तो वो दोबारा ये सब कांड होने के बाद अपनी दुकान की तरफ आता क्यों? राजू के दोस्तों को बुलाओ। ठीक है सर। क्या हुआ था उस दिन? सर बता तो चुके हैं, हमें कुछ भी नहीं पता सर। हाँ तुम लोग तो बाद में आए थे ना? हाँ जी सर। लेकिन ये अचानक वहाँ कैसे पहुँच गए? सर दुकान खुलने का टाइम हो गया था तो रोज की तरह वहाँ पहुँच गए हम। उसके पहले कहाँ थे? सर मैं तो घर पे अपनी बीवी के साथ में था और फिर पारस आया तो फिर सीधे हम दुकान पहुँच गए। सीधे दुकान की तरफ आ गए, मतलब बीच में कहीं गए होंगे, कुछ काम आया होगा कुछ तो? नहीं सर कोई काम वाम नहीं था सर, मैं सीधा अपने घर से निकला और अमित घर के पास रहता है, इसे पिक किया मैंने और सीधा दुकान पर पहुंचे हम लोग। राजू ने मरने से पहले तुम लोगों को कुछ पैसे दिए थे या गाड़ी में उसकी जेब में कुछ मिला हो? नहीं सर ऐसा। और सर उसके पास पैसे कहाँ से आएंगे सर? हरी भाई ने पिछले 3 महीने से पगार नहीं दिया सर। लेकिन हरी का कहना है कि उस दिन दुकान पर पैसे थे जो गायब है। नहीं सर नहीं, वो झूठ बोल रहे हैं, कोई पैसा वैसा नहीं था सर। देखो अगर राजू ने मरने से पहले तुम लोगों को पैसे दिए थे तो अभी बता दो। सर मेरे पास तो सर जहर खाने के लिए भी पैसे नहीं है। जहर खाने के पैसे नहीं है लेकिन ऑफिस के पिछले दरवाजे की चाबी जरूर है। सर हमारे पास कोई ऑफिस की चाबी नहीं है, चाबी हरी भाई अपने पास ही रखते हैं। हाँ मैम अभी आया। साहब वो एक इमरजेंसी है सब, मेरी बीवी है ना पेट से तो सब बच्चा होने वाला है साहब, तो बस्ती वाले उसको हॉस्पिटल लेके गए सब, तो बस मुझे निकलना होगा सब, इमरजेंसी है सब। मैं जा मेरी बीवी एडमिट है यहाँ पे। क्या नाम है? कंचन मेहता। एक सेकेंड सर, ये आपका बिल 25,000 रुपये।
इतना प्यारा बच्चा है ना हमारा, बिल्कुल तुम पर गया। पता है कंचन, मैंने इसका नाम राजू रखूंगा। वाह, राजू की जान लेने के बाद राजू से इतना प्यार। बहुत फिल्मी डायलॉग मार रहा था ना, जहर खाने के पैसे नहीं है, ये हॉस्पिटल में भरने के 25,000 कहां से है? सब बता दो ना सामने। सब मरने से पहले राजू ने गाड़ी में पैसे पारस को दिए थे और सब पारस ने मुझे दिए। अच्छा, मतलब मरने से पहले राजू ने पैसे पारस को दिए, पारस ने अभी तुझे दिए। हाँ साहब। तो राजू को चाकू हरी ने मारा? हाँ साहब। मतलब राजू ने मरने से पहले वो पैसे पारस को दिए, पारस ने तुझे दिए। हाँ है ना। मतलब ये तुम जब उसको हॉस्पिटल ले जा रहे थे उस वक्त राजू ने पारस को पैसे दिए और पारस ने तुझे दिए, है ना? हाँ। काफी खून निकला था राजू को, राजू पूरा लथपथ था, लेकिन तेरे पास जो नोट मिले हैं उस पे तो खून का एक छींटा नहीं, एकदम साफ। कैसे? पता नहीं साहब, साहब मुझे पैसे पारस ने दिए थे। क्या प्लान था तुम लोगों का, क्या प्लान था बोल? बताता हूँ। सुन, वैसे नहीं काम कर सकते हैं, हरी को फंसा कर उससे पैसे निकलवा सकते हैं। मतलब क्या बोल रहा है? हरी हम में से किसी एक के ऊपर हमला करेगा, चाकू वाकू मार देगा, तो हम उसको कोर्ट तक घसीट लेंगे। उससे वो क्या मिलता है, कंपनसेशन, हमें कंपनसेशन भी मिलेगा, और नहीं भी मिला तो हरी कोर्ट कचहरी के डर के मारे ना हमें पैसे वैसे ही निकाल करके दे देगा। हरी क्यों चाकू मारे? अरे गुस्सा दिलाएंगे उसे। और नहीं गुस्सा तो यार, तुमने आज तक देखा उसे गुस्सा करते हुए? और क्या गारंटी इस बात की होंगे चाकू मार दें? कुछ भी। अरे यार, तो एक काम करेंगे, हम में से कोई चाकू लेकर के अंदर जाएगा, हरी को चाकू दिखाएगा और वहां से भगा देगा, फिर तो मार लेगा चाकू खुद को। खुद को चाकू मारना आसान है क्या? सुन, हम में से कोई ना पीछे वाला दरवाजा खोल देगा, फिर हम अंदर जाएंगे, उसको चाकू मारेंगे और वहां से निकल जाएंगे, और सारा का सारा इल्जाम हरी के ऊपर। और चाकू खाएगा वो? मैं चाकू नहीं खाऊंगा। अरे यार, मैं चाकू खा लेता हूँ, मगर तुम्हें पता है ना मेरी बीवी प्रेग्नेंट है, घर पे देखभाल करने के लिए कोई तो होना चाहिए ना। नहीं 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 नहीं, राजू चाकू नहीं खाएगा। नहीं नहीं राजू, देख सुन, मेरी बीवी प्रेग्नेंट है ना, और मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। तुझे भी तो अपनी बहन को गहने देने हैं शादी में, बोल ठीक है? राजू तैयार हो गया, फिर राजू सुबह उसके पास चला गया और वहाँ उसको चाकू दिखा करके ऑफिस से बाहर निकाला, और उसके बाद राजू ने भाग गया, चाकू दिखाया। देख सुन, मुझे ऐसा लगता है अभी भी टाइम है, अपन रहने देते हैं सब कुछ। नहीं तो चुप कर यार, सुन मैंने सब पता कर लिया है, यहाँ मारने से ना ज्यादा कुछ नहीं होता, और वैसे भी हम तुझे अस्पताल लेके जाएंगे ना उसके बाद। डर में तुझे कुछ नहीं होगा। टेंशन मत ले। आराम से। नहीं पैसे से क्या होगा? नहीं और करना, ढंग से कर। सही है ना? सुन ठीक है ना, ठीक हम लोग जा रहे हैं, अभी हम जा रहे हैं। बस बोलो कि बरसात छोड़ गई यार, अब तो हरी भी पैसे देगा और सच ये तो पैसे है। सुन अब निकलते हैं, तुम्हें पता नहीं क्या करना है। हाँ चला। सर धीरे से चाकू मार दो सर, मैंने मुझे नहीं पता सर वो कैसे मर गया। तुम दोनों ने मिलके मारा है उसको, रूसी चल पारस को लेके आओ। ठीक है सर। मैंने वही किया जो मेरे को अमित ने बोला करने को, मैंने तो चाकू को हाथ तक नहीं लगाया साहब।
साहब मैंने आपको बताया ना साहब, मैंने धीरे से मारा था साहब, मैं अपने बच्चे की कसम खाकर कहता हूँ साहब। इनकी कहानी यहाँ तक तो साफ है। पहले हरी ऑफिस आया, फिर तेजस आया, और जब तेजस और हरी अंदर बातें कर रहे थे तब राजू आया, अंदर गया और चाकू दिखाया। फिर पहले तेजस भागा, फिर हरी वहां से भागा। राजू ने अंदर का दरवाजा खोल के अमित और पारस को अंदर लिया, अमित और पारस ने उसे घायल किया, तभी उनकी नजर पैसों पे पड़ी और उन्होंने वो पैसे उठा लिए। उसके बाद राजू बाहर निकला, भीड़ इकट्ठा की, अमित और पारस घूम के आए, उसे हॉस्पिटल ले गए। अब यहाँ सीसीटीवी फुटेज में राजू को चाकू लगा हुआ तो दिख रहा है, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा कि वो मरने वाला है। और हरी के ऑफिस से हॉस्पिटल की दूरी भी 15 मिनट है, लेकिन जब वो हॉस्पिटल पहुंचा तो वो मरा हुआ था। सर हो सकता है कि अमित ने जो वार किया हो वो थोड़ा भारी हो गया हो और उसी वजह से राजू की मौत हो गई हो। दोषी, एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि हरी के ऑफिस से हॉस्पिटल की जो दूरी तय की गई उस दौरान कुछ हुआ हो, उन दोनों लड़कियों को फिर से बुलाओ। सर इसीलिए मैं इन सब में पढ़ना नहीं चाहती थी, अब तो आप लोग रोज रोज बुला रहे हैं। बहन कोई नो जीव गयो छे, कोई नो जीव जोखम में छे, इतनी मदद तो आप कर सकती हैं। जरा ठीक से अच्छे से याद करके बताइए कि उस दिन एग्जैक्टली क्या हुआ था। सर उन्होंने हमारी गाड़ी को रोका और राजू को बीच में बिठाकर वो आसपास बैठ गए। सर एक दोस्त राजू को जगाए रखने की पूरी कोशिश कर रहा था और दूसरा दोस्त हमें रास्ता बता रहा था, और सर फिर उन्होंने गाड़ी को अचानक से रुकवाया। हाँ, बस, 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 बस। और जो लेफ्ट में दोस्त बैठा था ना उसकी जगह पर राजू के पापा आकर बैठ गए। तो जब ये हुआ तो उस वक्त राजू जिंदा था? जी सर, बट जैसे ही दोस्त वहाँ से उतरा ना और उसके पापा वहाँ के बैठे, वैसे ही राजू शांत हो गया। सर मैंने मुड़कर पीछे देखा था, राजू के पापा उसे कसकर हग किए हुए बैठे थे। हेमंत भाई जरा विस्तार में बताएंगे उस दिन गाड़ी में आपके बैठने के बाद क्या हुआ था? राजू कुछ देर रोता रहा फिर बेहोश हो गया। आप अपने बेटे को ज्यादा पसंद नहीं करते थे है ना? हाँ, क्योंकि उसकी वजह से मुझे बहुत शर्मिंदगी होती थी। मेरी बड़ी बेटी की शादी नहीं हो रही थी, सबको यही लगता था कि उसकी बीमारी मेरी बेटी के बच्चों में आ जाएगी, और कल को छोटी के साथ भी यही सब होता। एल्ला मैडम मरना क्यों? सो बात कर चुका है, बेटे से गुस्सा होके क्या माँ बाप उसको मार देते? कुछ भी हो मैं अपने बेटे को चाहता था। हेमंत भाई हमें लगता है कि आपकी नफरत आपके प्यार से कहीं ज्यादा बढ़ के थी, अभी तो हमें ये भी नहीं पता कि आपने किंजल के साथ क्या किया है, कहीं उसे भी तो नहीं मार दिया? सर थोड़ी देर पहले किंजल का फोन ऑन हुआ था। सर राजू जिस बस्ती में रहता वहीं पे। जल्द भी लो। तो तुम पारस से प्यार करती थी और तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें पारस के साथ देख लिया? जी। तुम जानती थी कि तुम्हारा भाई मर चुका है? जी सर, मुझे कुछ दिन पहले ही पता चला कि हरी भाई ने उसे चाकू से मार दिया। सर मैं ये शादी नहीं करना चाहती थी, और मैंने पारस को कितनी बार कहा था कि मुझे शादी नहीं करनी है। मैं कुछ भी करके, कोई भी जुगाड़ लगाकर, मैं कैसे भी करके शादी टाल दूंगा। तुझे पता है 3 दिन बाद मेरी शादी है। किंजल सुन, तुम नाराज मत हो, मैं करूंगा कुछ ना कुछ, पक्का करूंगा मैं। पारस बार बार यही कह रहा था कि मैं शादी टाल दूंगा, लेकिन सर 3 दिन बाद मेरी शादी थी, मैं और वेट नहीं कर सकती थी। इसलिए उस दिन जब माँ बाबा और अन्नू बाहर गए तो पारस के कहने पर मैं अपने घर से निकल गई। पारस ने तुमसे वादा किया था कि वो ये शादी टाल देगा, आखिरकार उसने वो वादा निभा दिया। राजू को हरी ने नहीं, अमित ने चाकू मारा था, लेकिन उसको जान से पारस ने मारा। आज ना मैं ब्लड प्रेशर की गोली घर पे भूल के आया हूं, इसलिए मेरा दिमाग हिला हुआ है, तो टाइम वेस्ट मत करना। राजू मरा और इसलिए शादी टली, किसकी शादी, कौन सी शादी, समझाऊं? बात सर, मैं किंजल से बहुत प्यार करता हूं सर, लेकिन मुझे पता था कि उसके पापा उसकी शादी मुझसे नहीं करवाएंगे, इसलिए मैं कोई अच्छा काम ढूंढ रहा था, इसके लिए मुझे समय चाहिए था, इसलिए मैं चाह रहा था कि शादी कैसे भी करके टल जाए। वो
मुद्दे की बात पे आ। सर उस दिन जब अमित ने राजू को चक्कू मारा तो राजू मेरे पास में था। बस 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 राजू 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 आराम से सांस लेते रहे राजू। क्या सोचा था तूने? राजू की चिता पे चल के तू अपनी बारात लेके जाएगा? दोस्त ने दोस्त पे भरोसा किया और अपनी जान गंवा दी। राजू के साथ जो हुआ उसमें सबने अपना अपना फायदा देखा, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि जो मरा है वो उनका दोस्त था, भाई था। सबको अपने अपने किए की सजा तो मिली, राजू और उसके परिवार को न्याय मिला, पर बेटा खोने का दुख कम नहीं हो पाया। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.